गुड मॉर्निंग हिमाचल। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल के ताजा घटनाक्रम पर। शुरुआत हेडलाइन से। सबसे बड़ी जालसाजी, शातिर पत्नी ने यूपी के शख्स को बैंक में पति बताकर निकलवा लिए 6.25 लाख। हाईकोर्ट के फैसले से जगी उम्मीद की नई किरण, एयरपोर्ट विस्थापितों में नई चर्चाओं का दौर तेज। अगले 48 घंटे खतरनाक, मौसम विभाग का येलो अलर्ट, 7 जिलों में छाएगी धुंध। और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस नूरपुर के अधीन धोखाधड़ी के दोनों आरोपियों को पुलिस ने चंडीगढ़ के खरड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना नूरपुर में कुशल कुमार निवासी भड़वार ने 4 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पत्नी प्रीति कौर ने एक अन्य व्यक्ति को पति के रूप में बैंक में पेश कर 5,70,000 रुपए चेक के माध्यम से निकलवा लिए हैं, जिस पर पुलिस ने 420-120B के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापामारी की, लेकिन आरोपी हत्थे नहीं चढ़े। आखिरकार आरोपी प्रीति कौर तथा संदीप सिंह निवासी उत्तर प्रदेश को खरड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि धोखाधड़ी से बैंक से पैसे निकलवाने के आरोपियों को चंडीगढ़ के खरड़ से गिरफ्तार कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विस्थापन की कगार पर खड़े लोगों के लिए हाई कोर्ट का फैसला खुशी लेकर आया है। बुधवार सुबह इच्छी, गगल, सोहाड़ा आदि जद में आने वाली पंचायतों के लोग हाई कोर्ट के फैसले पर चर्चा करते दिखे। लोगों में उम्मीद जगी है कि शायद अब वे विस्थापन से बच जाएंगे। बता दें कि गगल हवाई अड्डा विस्तार के लिए प्रस्तावित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना पर सुनवाई के दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई 29 फरवरी को होगी। विस्तारीकरण के लिए प्रस्तुत की सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हिमाचल में प्रचंड शीतलहर का सिलसिला जारी है। धुंध और कोहरे से ठिठुरन बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में आगामी 48 घंटे के लिए धुंध का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के अनुसार मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर के पांवटा साहिब और धौलाकुआं सहित सोलन के बद्दी नालागढ़ में धुंध की संभावना बनी रहेगी। पिछले कल मौसम खराब होने के बाद तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अभी कुकुसमेरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां तापमान -8.6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला, ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला।